Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين رحمة للعالمين عبد القاسم محمد صلى على وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد قال الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات الله एक और बावाज़े बुलंद नारे सलावात सबसे पहले मैं अपनी जानिब से इस मुक़द्दस बारगाह के आए हुए तमाम ज़ुवार को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ने बहक़ अहले बैत ये सआदत अता किया कि आप इस मुबारक बारगाह में तशरीफ़ लाएं और अपनी मुरादों को बारगाह मौला अमीर में पेश करें। यहाँ जितने भी हाज़रीन हैं या दरगाह आलिया नजफ़ हिंद में जितने भी मोमिनीन हैं, अल्लाह सबकी दुआओं को सबकी इबादतों को कबूल करे। साथ ही मुंतज़मीन के लिए भी तशक्कुर के अल्फाज और हमराह दुआ। मैं जिस कदर भी हो सकता है
आपके हक में दुआ करूं कि अल्लाह सबको कामयाबी और कामरानी, सेहत और सलामती अता करें। अपनी अपनी हाजात की कबूलियत के लिए, अपनी बंदगी के लिए पेश खुदा दुआओं की मकबूलियत की खातिर एक जीती जागती बेदार सलवात इरशाद फरमा दें। साहिबान फिक्र नज़र, मैंने क़ुरान मजीद में सूरह मुल्क और सूरह मुल्क की दूसरी आयत, जिसको उन्वान सुखन करार दिया है, और इसी आयत के ज़ैल में आपके सामने कुछ गुजारिश करके वादिये मसाइब में और फिर ख़त्म दुआ। मैं ये सोच रहा था कि क्या पढ़ा जाए। माशाल्लाह इस बारगाह में एक से एक बेहतरीन खतीब, ज़ाकिरीन, बयानात, जुमलात आप सुनेंगे या सुनते चले आए हैं, मगर मैं भी आपके हुजूर कुछ गुजारिश कर दूं और मेरा भी नाम मौला के मद्दाहान में शामिल हो जाए। अजीजों, इरशाद खुदावंद मन्नान है, अल्लज़ी, वही वो अल्लाह है, खलक़ल मौत, जिसने मौत को पैदा किया, वल हयात, जिसने जिंदगी को पैदा किया। क्यों? लिबलुकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम तुमको आजमाएं कि तुम में से अपने अमल में बेहतर, अच्छा और अहसन है कौन। ये तो हुआ तर्जमा। अब अगर आप सुने और मैं सुना पाया तो वाकई ने बेहतरीन रास्ते पर गुफ्तगू पहुँचे। इस बात का एहसास है कि इस खुली हुई वादी में और मुस्तकिल मजालिस के सिलसिले से बस कुछ बातें। अल्लाह ने मौत पैदा किया, मगर उस मौत को खल्क करने से पहले अपनी रुबूबियत कामिला, अपनी खिलकत कामिला का ऐलान किया। अल्लज़ी खलक़ल मौत, वही वो अल्लाह है कि जिसने मौत को पैदा किया। अच्छा, ये लफ्ज़ मौत इतना संगीन है कि अपने आप में इतनी दहशत रखता है, इसके सिलसिले से उलमाए कलाम ने लिखा, उलमाए ज़बान ने लिखा कि लफ्ज़ मौत अपने आप में इतनी घंघरज रखता है, इतना अजीब ये लफ्ज़ शुमार होता है। जैसे ही लफ्ज़ मौत आया कि इसके पैराए में जितना हो सकता है इंसान तसव्वुर करने लगता है। मौत और उसकी सख्ती, मौत और उसकी घबराहट, मौत और उसकी तलखी, मौत और उसकी बेचैनी, मौत उसके नतायज, मौत उसके हकायक, ये सारी चीज़ें यकबारगी दिखे आने लगती हैं। जैसे ही ज़हन बशर में कुदरत की तरफ से ये लफ्ज़ आया, उधर से आवाज़ आई हमने मौत को पैदा किया, कि बशर का जहन मुतजलजिल हुआ।
और लरस के कांपने लगा तो खालिक़े बशर ने आवाज दिया, घबराओ नहीं, वल हयात, हमने जिंदगी भी पैदा किया, हमने जिंदगी भी पैदा किया है। जिंदगी और हयात कल जुमला कानों से टकराया और जहन की वादी तक पहुंचा कि बशर सुरूर से मसरूर हुआ, हयात का जो सुरूर था उससे मसरूर हुआ। कुदरत ने खत फासिल खींचा, कहा खबरदार, होशियार, हयात सबके लिए नहीं है, हयात उसी के लिए है जो आजमाइश में कामयाब होगा। और अगर आप जाग के बेदार हो करके और रिप्लाई देते हुए सुनने, तो मैं एक बात बताऊं, आहिस्ता से कहूंगा, माइक बुलंद कर देगा आवाज को वो अपनी जगह। हयात न हाथों की हरकत का नाम है, न जबान के चलने का नाम है, न फिक्र को वादिय जहन में दौड़ा देने का नाम है, न ही पलकों की चिलमन का गिराना और उसके बाद उठाने का नाम है। हयात इस चलते फिरते इंसान का नाम नहीं है। आहिस्ता से कह रहा हूं, हयात मकसद की बका का नाम है। बड़ा जुमला है, पहुंचना चाहिए। हयात मकसद की बका का नाम है। ऐ अहले अज़ा, ऐ ज़ुवार, ऐ ज़ायरीन, मैं एक जुमला कहूं, अगर मकसद जिंदा है तो हयात। ये हॉल जिसने बनवाया, उस रोजे में जिसने तामीर में हिस्सा लिया, किसी ने कहीं मस्जिद बनवा दिया, किसी ने कहीं इमाम बारगाह बनवा दिया, अब जब तक वो मकसद जिंदा है, और अगर मकसद मर गया तो जीते जी मर गए। ये मैं आपको बताऊं कि हयात मकसद की बका का नाम है, हयात मकसद की बका का नाम है। पहुंच रही है बात आखिर तक, एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब एग्जिट तो नहीं, लेकिन बहरहाल राउंड फिगर में मैं आपको बताऊं, 70 की दहाई में, 70 से 80 के बीच में एक किताब मार्केट में आई। उस किताब में पैगंबर की तौहीन का जोर जोरा था, पैगंबर की इहानत, पैगंबर की तौहीन। उस किताब में पैगंबर के लिए नाजेबा अल्फाज लिखे गए। वो किताब उस वक्त के आलिम रब्बानी तक पहुंची, वो किताब उस वक्त के आलिम जलीलुल कद्र, बुजुर्ग आलिम दीन तक पहुंची। उसने किताब देखा, उस आलिम ने एक लाइन लिखा किताब के ऊपर, रुश्दी वाजिबुल कत्ल। मैं चेहरों की चमक पढ़ रहा हूं, रुश्दी वाजिबुल कत्ल। 1989 में, 1989 में खुमैनी साहब इस दुनिया से चले गए, खुमैनी साहब इस दुनिया से चले गए। उन्होंने रुश्दी की बेदीनी पर अपनी हयात में एक फतवा दिया था, रुश्दी वाजिबुल कत्ल। ये जो किताब लिखी जिसमें पैगंबर की तौहीन थी, जब ये लिखा तो उसमें, जब वो किताब उनके पास पहुंची तो उन्होंने लिखा कि रुश्दी वाजिबुल कत्ल। तवज्जो है अजीजों, 1989 में। अब देखूं कि आप पहुंच के, आप मेरी बात आप तक पहुंच कितना रही है और आप बेदार कितना है। 1989 में खुमैनी साहब इस दुनिया से चले गए, तो लॉजिकली, मंतिकी, कानूनन रुश्दी को तो आजाद हो जाना चाहिए था, रुश्दी को तो आजाद हो जाना चाहिए था, जहां चाहे जाए, जहां चाहे मिले, जिससे चाहे मिले,
जहां चाहे शिरकत करे, जिस प्रोग्राम में चाहे इन्वॉल्व हो। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट हुआ क्या, का प्रोटोकॉल, हिफाजती दस्ता, निज़ाम और इंतज़ाम, एलआईयू की रिपोर्ट, उसके लिए पूरी एक लॉबी। ये किस बात का सबूत है मेरे अजीज़ों, आखिर तक गुजारिश मेरी पहुंचनी चाहिए, ये इस बात का सबूत है कि खुमैनी साहब बदन के एतबार से गए हैं। न नाम को मौत आई है, न फतवे को मौत आई है। मकसद जिंदा है तो नाम जिंदा है, मकसद मर गया तो जीते जी मर गए। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले पर। जज़ाक अल्लाह। मगर अजीजों समेट के बिल्कुल जल्दी से, चूंकि वक्त कम है और नमाज का वक्त भी हो जाएगा, और मुझे मुंतजमीन ने कुछ बता दिया नमाज के सिलसिले से कि नमाज का वक्त भी इंशाल्लाह आगाह हो गए आप। बस इस मुख्तसर से वक्फे में कुछ बातें आपके हुजूर कर लूं। मकसद जिंदा तो हम जिंदा, मकसद मर गया तो हम जीते जी मर गए। अच्छा, आयत का मिजाज ये होता है कि आयत नाजिल तो पैगंबर पर होगी, आयत नाजिल तो पैगंबर पर होगी, मगर आयत हर दौर में मिसदाक और टारगेट तलाश करती है। आयत का मिसदाक ये है, आयत का मिजाज ये है कि आयत नाजिल पैगंबर पर होगी, मगर आयत हर दौर में मिसदाक तलाश करती है, टारगेट तलाश करती है, हदफ। इस आयत में कि जिसमें लफ्ज मौत पहले, हयात उसके बाद, और बॉर्डर लाइन बनी हुई है कि जो आजमाइश में कामयाब होगा, हजार तफसीरों में एक सिलसिला यह भी मौकूफ हो सकता है कि शायद यह आयत नाजिल तो पैगंबर पर हुई मगर इसके मिसदाक करबला वाले भी हों। जरा तवज्जो कीजिएगा, एक नाजुक वादी से गुजर के आपके लिए पूरा सिलेबस आसान कर दूं करबला वालों के लिए, और करबला में भी जस्टिफाई कर दें बिल्कुल प्योर। करबला में हमारे पास जो रवायत आई है हिंदुस्तान में, बर्रे सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में, कितनी तादाद थी हुसैनियों की, बोले ना 72। 72 में घर वाले कितने थे, 18। ताबूत बरामद होते हैं बास जगहों पे, 18 में अकबर हो के असगर, कासिम हो के ओनो मोहम्मद, अब्बास हो के बिरादरान अब्बास, ये सब फजीलतों का आसमान है, ये सब फजीलतों का आसमान है। अरे साहब, मैं आपको दावत देता हूँ, आप में से जो मुझे मुझसे आशना है मैं उसे अपने घर पे दावत दूँ। आप रात में हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाए, रात को क़याम किया, सुबह नमाज के वक्त आप जब मुसल्ले पर गए तो आपने देखा कहीं बच्चा मेरा नमाज पढ़ रहा है या तस्बीह पढ़ रहा है, कहीं बेटी कुरान पढ़ रही है, कहीं भतीजी जो है वो इबादत कर रही है, तो मुझे नहीं लगेगा कि आपको ज़्यादा हैरत होगी। अल्लाह मौलाना के घर के इतने इतने बच्चे, नमाज और रोज़ा और कुरान, क्यों? आप एक ज़हनियत लेके आए हैं, आप एक ज़हनियत लेके आए हैं। खुदा की कसम ये बात पहुंच जाए आप तक तो मेरी मेहनत वसूल होती नज़र आएगी कि मौलाना के घर के बच्चे कम ज़्यादा होंगे। जैसे मेरे अजीज़ों, मैं आपसे खिताब करके कहता हूँ कि अगर किसी आलिम के घर जाएँ, किसी मौलवी के घर जाएँ, नमाज सुबह में बच्चों को अपडेट देखें तो आपको हैरत ना हो, और आप अंदाज़ा लगाइए कि अली और जहरा के घर के बच्चे कैसे होंगे। अली और जहरा के घर के, ये फजीलतों का आसमान हैं, ये अपनी मिसाल आप हैं। सवाल ये है कि जब 72 में 18 घर वाले, तो अब बचे कितने, कहा 54, 54 अफराद।
ये कौन लोग हैं? ये तो मीसम भाई घर के नहीं है ना, ये तो आगा घर के नहीं है ना, ये तो अलग अलग जगहों से आए हैं। अब देखूं कि आप तक ये बात पहुंचती है कि नहीं। अजीजों, ये अलग अलग जगहों से आए नहीं है, लफ्ज बदल के कहूं, ये मुर्दों की भीड़ से उठ के आए हैं। नहीं तवज्जो किया आपने, नहीं तवज्जो किया, ये मुर्दों की भीड़ से उठ के आए हैं। लफ्ज और आसान कर दूं, ये मुर्दों की भीड़ से उठ के आए हैं हुसैन के पास हयात की भीख लेने। आयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये 54 अफराद, ये तो खानदान रिसालत के नहीं है, ये तो अली और जहरा के घर के नहीं है, मगर इनका कमाल ये है, जुमला पहुंच जाए, इनका कमाल ये है कि इनकी रगों में खानदान रिसालत का लहू तो नहीं है, मगर इनके अंदर कमाल इतना है कि हक शनासी के बाद हुसैन के साथ अपनी कुर्बानी को पेश करके अपने खून को खून हुसैन के साथ मिला के खाके करबला को खाके शफा बना दिया। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद। कमाल इनका, अपने खून को, इनके अंदर पैगंबर के खानदान का लहू नहीं था इनकी रगों में। ये थे कौन? ये शीशा पिलाई हुई दीवार के मानिंद थे, ये शीशा पिलाई हुई दीवार के मानिंद थे, ये मौत की वादी से उठ के आए थे। अब जरा आयत को टैली कीजिए इनके कैरेक्टर से। अल्लज़ी खलकल मौत, हमने मौत पैदा किया, यानी एक इशारा तो यह भी मिलता जा रहा है कि ये मुर्दों की भीड़ में जी रहे थे, मगर जब आजमाइश का वक्त आया तो इधर उधर मसलहत की चादर ओढ़ के फरार नहीं किया। देखिए, रसूल को छोड़ के फरार करना आसान है, हक को पहचान के हुसैन के साथ कुर्बान होना मुश्किल। फरार नहीं किया। ये कौन है? ये हैं कौन? कुछ ही दिन रह गए, एक डेढ़ महीना मुहर्रम के लिए। ये ऐसे नहीं है। देखिए, करबला अब हर जगह, जैसे यहां पर भी बैरियर लगे हुए हैं, गाड़ी नहीं जाने देंगे मौलाना साहब, चाहे आपको कैब कितनी बजे भी मजलिस पढ़नी पड़े, गाड़ी आपकी अंदर नहीं जाएगी। क्यों साहब? का सेफ्टी के पॉइंट से। एयरपोर्ट आप जाइए, वहां स्कैनर लगा होता है, पूरी बॉडी आपकी स्कैन कर ली जाती है। मेरी माँ बहने, मेरे बच्चे, जो जहां है मेरी आवाज सुने कि करबला में ये 54 पर्सनालिटीज यूं ही नहीं आ गई हैं, इनके अंदर हयात लेने की तड़प थी। क्यों क्यों कह रहा हूं? दुनिया की बनाई हुई मशीन अंदर के हालात को बता देती है। करबला में इमाम वक्त मौजूद थे, कोई शौक में नहीं आया था, इसलिए हुसैन और इसलिए खुदा में आया था। वहां रेस नहीं हो रही थी कि हम भी चलें, आई एम प्रेजेंट सर, नो। ये हाथ उठा के हाजिरी लगवाने का प्लेस नहीं था कि ऊपर से जो कह लीजिए, अंदर से कोई जानता ही नहीं। वो तो इमाम वक्त मौजूद है ना, वहां तो इमाम वक्त मौजूद है, जो दो उंगलियों में जमीन से आसमान देख ले, वो सामने वाले की नीयत नहीं जानेगा कि किस नीयत से आया है। तो अजीजों, लफ्ज बदल के यूं कहूं, ये 54 अफराद नहीं थे, ये शीशा पिलाई हुई दीवार थे जो हुसैन से हयात लेने आए थे और हुसैन के साथ कुर्बानी पेश करके ऐसी हयात के मिस्ताक हुए कि 1400 वर्षों से न इनके नाम को मौत आई है, न इनकी इज्जत को मौत आई है, न इनके शरफ को मौत आई है। जब जब मुहर्रम आएगा, और आसान कर दूं अपने छोटे बच्चों के लिए, जब तक हुसैन का नाम रहेगा, सईद जिंदा रहेंगे, सुहैर जिंदा रहेंगे, हुर जिंदा रहेंगे, वहाब कल भी जिंदा रहेंगे, अबू सुमामा सैदा भी जिंदा रहेंगे। ये क्यों जिंदा रहेंगे?
इसलिए तो कि आयत का वादा पूरा हो रहा है। ये वादी ये मौत से उठ के आए थे हयात लेने, हमने आजमाइश रखी, ये आजमाइश में कामयाब हो गए। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद। मिलके लगाओ अजमतों का नारा। अजीजों, हुसैन मरकज़े हयात हैं। अच्छा मैं एक बात और बताऊं आपको, अगर आप ध्यान से सुने, सुन रहे हैं ना, वरना बहुत जल्दी 12 बज जाता है। आजकल घड़ी में एक और सलावत इरशाद फरमा दें। करबला अकेला वो प्लेस है, करबला अकेले वो वादी है कि जिसमें जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी, ऐसा नहीं हुआ जैसा करबला में हुआ। क्या हुआ, क्या हुआ? का इम्तिहान एक रोज बाद था और इम्तिहान से एक रात पहले, जस्ट एक रात पहले रिजल्ट आउट हो गया। मुझे नहीं लगता आपके बात पहुंच पाई। इम्तिहान एक दिन बाद है और इम्तिहान से जस्ट एक रात पहले पर्चा नहीं आउट हुआ, रिजल्ट आउट हुआ है। कोई प्लेस भाई, सबका इम्तिहान आशूर के दिन था और शबे आशूर कायनात के मासूम इमाम की जबान से नतीजे इम्तिहान आ रहा है। ये रिजल्ट ही तो है कि इमाम कायनात शबे आशूर कह रहे हैं, इमाम हुसैन फरमाते हैं जैसे असहाब मुझे मिले, नहीं आप तवज्जो कर रहे हैं, जैसे असहाब मुझे मिले न मेरे बाबा को न मेरे नाना को। ये जुमला बता रहा है, ये जुमला बता रहा है कि ये हयात लेने आए थे। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद। दूसरी बात, करबला ये वो प्लेस है कि जहां पर इम्तिहान। अच्छा एक बात और बताऊं, हम और आप मजलिसी पहुंच सकते हैं, आप सुन सकते हैं एक घंटा या जो भी जितना देर जो जाकिर पढ़े, और मैं हम सब भाई सुन ही सकते हैं। अगर कायनात का इमाम जवाब दे, आप सब यहां आए मौला के रोजे पर जाते हैं, ज्यारत करते हैं, एक जुमला कहते हैं ना, सलाम हो मौला अमीर आपकी अजमतों पर, कभी जवाब आया इस मजमे में कोई एक आदमी बता दे, हां मौला साहब जवाब आया हमारे पास, कोई है? हो सकता है कि किसी के पास जवाब आया हो या इमाम ने उसके जवाब को अपने पास महफूज कर लिया हो। हमारा काम है सलाम करना अपने इमाम को, तवज्जो, हमारा काम है कि अपने इमाम को सलाम करें। मगर यह बताइए कि अगर कोई ऐसी शख्सियत जिसे इमाम सलाम करें, करबला के ये 54 अफराद वो हैं कि जिनको इमाम सादिक ने सलाम किया, इमाम आखिर ने सलाम किया। सलाम के नाम पर ज़ियारत नाहिया देखिएगा, बहुतों को सलाम किया नाम ले ले करके। इमाम सादिक ने सबको समेट के सलाम किया है, सलाम हो मौला हुसैन आप पर, व अली इब्न हुसैन आप पर, व औलाद हुसैन आप पर। यही खानदान की बात थी, बात तमाम हो जाती। लेकिन ये जुमला आगे बढ़ा, ज़ियारत आशूरा का एक फकरा, वाला असहाबिल हुसैन, नहीं तवज्जो किया? इमाम भी शायद कहीं इशारा कर रहे थे, असहाब
अस्हाब हुसैन कह के बाउंड्री खींची, सबके अस्हाब नहीं सलाम के लायक है, मगर हुसैन के अस्हाब सलाम के लायक थे, हैं, रहेंगे। जज़ाकअल्लाह। सबके आसार, सबके आसार, अस्हाबुल हुसैन, ये कायनात का इमाम कह रहा है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि किस मंजिल पर ये कैरेक्टर खड़े हैं, ये किरदार खड़े हैं। और अगर मैंने कहा ना कि किबला मैं अगर अपनी सतह से तो बोल पाऊंगा, जितना ज़र्फियत, जितना कैपेसिटी, जितना मैंने एब्जॉर्ब किया है, अपने लिए अंदर समेटा है, उतना ही बोल पाऊंगा। आप जितना आपकी थिंकिंग, आपका मेयार फिक्र होगा, उतनी सोच पाएंगे। मगर जरा ये मजमा अंदाजा लगाए, तमाम खवातीन, तमाम आजादार, ये तय करके बताएं कि अगर इमाम हुसैन असहाब का कसीदा पढ़े तो फिर क्या। बताऊं आपको मंजर, रवायत कहती है कि हुसैन आखिरी वक्त में जुलजना के करीब पहुंचे। हमारे यहाँ ये मसाइब में शुमार हो जाता है, जबकि ये ऐन फजाइल है, ये ऐन फजाइल है। हमारे यहाँ ये मसाइब का जुमला बन जाता है, मगर ऐन फजाइल वो क्या, वो ये कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुलजनाह की पुष्प, अच्छा मैं आपके सामने एक रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं हैदर मेदी गुजारिश कर रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड। एक किताब आई है ईरान में अरबी टू फारसी, जिसका आपके हिंदुस्तान के बच्चे जो इंग्लिश लाइन से ईरान में गए हैं वो तर्जमा कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से चलते वक्त, करबला पहुंचते वक्त आखिरी लम्हात तक जितने जुमलात कहे, जितनी बात कही, जितने खुतबात दिए, उन सब को एक किताब की शक्ल, टॉकिंग ऑफ इमाम हुसैन, सुखना ने इमाम हुसैन, इमाम ने जो बोला, एक पेज पर अरबी, एक पेज पर इलाकाई जबान। अब मिसरा मुकम्मल हुआ, एक सलावात पढ़ दे। देखिए साहब, इस सलावात से मुझे तो कम से कम ये एहसास हो रहा है कि गर्मी ज्यादा हॉल में है। अल्लाह इन उठे हुए हाथों पर रहमत नाजिल करे, जनाब रसूल और जनाब बतूल इन हाथों को कभी किसी के सामने सवाली न बनाएं, हमेशा ये हाथ जब उठें हक्कानियत के नारे के लिए उठें, सलावात की बुलंदी और बरतरी के लिए उठें, अपने हक के दिफा के लिए उठें, अलम उठाने के लिए उठें। एक सलावात पढ़ दे दुआ की कबूलियत के। सुखना ने इमाम हुसैन किताब है, मैंने रेफरेंस इसलिए दिया। एक जुमला है जो आप यहाँ मसाइब में ज़ाकिरीन पढ़ते हैं आम तौर से, अब वक्त नहीं है कि मैं पूरा जुमला और उसके बाद उसकी तशरीह करूँ, इशारा कर दूँ, अक्सर लोग समझ जाएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मक्तल के लिए जा रहे, ध्यान से सुनिएगा, इमाम हुसैन जब मक्तल के लिए रवाना हुए तो बीवियों से जब रुख्सत हो लिए तो मक्तल में जाने से पहले जुलजनाह की पुष्प हाथ रखा है। इसको सुन्नी आलिम दीन साइम चिश्ती ने भी लिखा, दीगर मक्तल की आसान किताबों में भी आपको मिल जाएगा, जो यहां पर भी अवेलेबल होगी अगर आप देखेंगे। तो इमाम ने मक्तल की तरफ रुख करके आवाज दिया है, ए मेरे शेरों, ए मेरे दिलेरों, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा हुसैन तुम्हें आवाज दे रहा है, ठहर के सुनना, जाग के सुनना, आंसू आए तो आने देना, ये तुम्हारे पाक लहू की दलील है कि तुम्हारी रगों में जो लहू दौड़ा है वो आजादारी का खून। अपने माँ बाप को दुआ दो इस मुकद्दस बारगाह में। यह है मजलिस,
मजलिस जाकिर के वाहवा का नाम नहीं है। जाकिर बस जो जुमले समझ रहा है वो पहुंचा दे। मिन्नोन ए मेरे शेरों, ये हुसैन का बनाया हुआ फजाइल है। किसी जाकिर, किसी खतीब, किसी मुअल्लिम, किसी मुतअल्लिम, किसी मुअर्रिख की हैसियत नहीं है जो इस वादी में कदम रख दे। ये अकेले हुसैन के नाम सब्त है कि हुसैन ने अपने 54 जानबाजों के लिए एक कसीदा पढ़ा है अपने नहज पर। मौला अमीर, इस जुमले की ताईद आपसे चाहिए आपकी बारगाह में। हैदर मेहदी गुजारिश करता है, हुआ क्या? हुआ ये कि इमाम ने जुलजना के पुष्प हाथ रखा। ए मेरे शेरो, ए मेरे दिलेरो, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा हुसैन तुम्हें आवाज दे रहा है। अब आप बोलेंगे कि मैं बताऊं, इसके जवाब में क्या हुआ? यही है फजाइल। अभी मैं फजाइल में हूं, इसके जवाब में हुआ क्या? इसके जवाब में हुआ ये कि आप सब बचपन से जितनी जगह पर भी सुनते चले आए, उलमा मौलवी हाउस में बैठे हैं, पूछ लिया सनद उनके पास होगी। मैं भी ये देखता हूं आपको सनद। जितनी मक्तल की किताबें हैं, इस जुमले का जवाब यह है, लब्बैक यब्ना ज़हरा लब्बैक। फरजंदे पैगंबर हम अब भी हाजिर हैं। अच्छा, तो सोचने का मकाम है ना, हुसैन ने पुकारा ही क्यों? जब हुसैन अभी सैयद सज्जाद से खैमे में कह के आए, ये भी रवायत आप सुनते रहते हैं कि बेटा मर्दों में हमारे तुम्हारे अलावा कोई नहीं, तो फिर ये पुकार किसको रहे हैं? कहा हुसैन पुकार नहीं रहे, मौला हुसैन किसे पुकार रहे हैं? आखिर तक मेरी माँ बहने, मौला अमीर आपकी सरपरस्ती में, जनाबे बतूल अगर आप मौजूद हैं तो आपकी सरपरस्ती में, जनाबे रसूल आपकी सरपरस्ती में, ये तमाम अजादारों के दरमियान हैदर मेहदी ऐलान कर रहा है कि हुसैन पुकार नहीं रहे थे, आने वाली नस्लों को बता रहे थे। तवज्जो तवज्जो, जैसे सुनना है सुनो। हुसैन पुकार नहीं रहे थे, आने वाली हुसैनी नस्लों को बता रहे थे कि मेरी शहादत के बाद, मेरे सर तन में जुदाई होने के बाद, अगर मैं नैज़े पर तिलावत करूं तो दुनिया कहेगी ये शीरे फातिमा की तासीर थी। तवज्जो, ये शीरे फातिमा की तासीर थी, लिहाजा मैं अपनी हयात में अपने साथियों को पुकार के उनका जवाब लेके बता दूं, जिसे हुसैन मिल जाए उसे कभी मौत नहीं आती, जिसे हुसैन मिल जाए, जिसे हुसैन मिल जाए। मैं एक जुमला कहूं, अम्मार भाई आपकी सरपरस्ती में, बुजुर्ग हैं आप, दीगर तमाम उलमा की सरपरस्ती में, यहां सी वकार अफराद बैठे हुए हैं, ये मुकद्दस अजादार बैठे हैं, एक जुमला कहूं, कभी दो रकत नमाज इस बात की पढ़ लिया करें कि हम उस घराने में पैदा हुए जहां अली और हुसैन के नाम की घुट्ठी पिलाई जाती है, जहां अली और हुसैन के नाम की, जहां सच्चाई की। अब आप अंदाजा लगाइए, मैंने एक छोटी सी आयत आपके हुजूर में पढ़ दिया और उसके बाद अब नहज। तो ये वो लोग हैं 54, इनका हक है कि इनके बारे में अपने उलमा से पूछिए। ये जहां थे, जिस वादी में थे, मगर बने हुसैन के लिए थे। ये जहां थे, जिस वादी में थे, बने हुसैन के लिए थे। ये 54 अफराद, शीशा पिलाई हुई दीवार, जो आयत का मिस्ताक बनते नजर आते हैं कि ये वादी ये मौत से उठ के आए थे हयात लेने। किसका तस्करा करूं? नमाज पढ़ते वक्त तकबीर कही हमने। अब यहां से मेरी गुफ्तगू का शुरू होता है भाईजान, यूटर। नमाज की तकबीर कही, अल्लाहु अकबर, इतने में एहसास हुआ कि जैसे कोई चीज है जिसने काटा। फौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
अब वो हम अपना नमाज भी पढ़ रहे हैं और अपने जैसे मच्छर ने या कोई ऐसी चीज अजियत हुई या कोई कीड़ा आ गया तो हम डिस्टर्ब होते हैं। जरा अंदाजा लगाएं, सामने से सनसनाते हुए यही लफ्ज लिखा है मीर अनीस ने अपने मरसिए में कि सनसनाता, ये उर्दू का लफ्ज है, बाजार का लफ्ज नहीं, सनसनाता हुआ तीर आता है और हुसैन के सिपर बन जाते हैं। कमाल है उन शख्सियात का। और अब बस ये दौर, मैं इस वक्त अपना वजीफा बना चुका हूं आवाइयों, मैं हैदर मेहदी अपना वजीफा बना चुका हूं, जो जहां है वहीं से सुन ले। मुझे हुक्म हुआ था मुंतजमीन की तरफ से कि आप आ गए तो पढ़ दी, चूंकि मुझे अभी फिर जाना भी है जल्दी से, तो मैं अपनी हाजिरी दर्ज करा दूं मौला अमीर की बारगाह में और उसके बाद से रुख्सत। ये दौर बड़ा खतरनाक चल रहा है, माइक के जरिए जितने लोग हैं, इवन प्रशासन के लोग भी सुने, जो आजादार हैं वो भी सुने, जो इस सिस्टम के जिम्मेदार हैं वो भी सुने। डे बाई डे हम मुसीबतों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसका इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। डे बाई डे, रोज बरोज हम मुसीबतों की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में जरूरत है कि हम अपनी दो चीजों को अपडेट करें। वालदैन, उनसे गुजारिश है कि वो अपने बच्चों के जिस तरह फ्यूचर पर ध्यान देते हैं उसी तरह प्रेजेंट पर ध्यान दें। कोचिंग जाना जैसे डांट के भेजना जरूरी है, वैसे मुसल्ले पर खड़ा करना भी लाजिम है। अच्छा, ये अजीब समझदारी है, अपने पैसे में से बचा बचा के LIC कराना, फंड जमा करना, PPF खोलना और फंड ये जमा करना और वो जमा करना, क्यों? बच्चे के लिए काम आएगा तो यही काम आएगा ना, कुछ ऐसा भी करे कि वहां काम आए। उसके लिए जरूरत इस बात की है कि मां बाप तंबीह नहीं, सख्ती करें, क्योंकि इस वक्त हमारे पास दुआओं का सरमाया, इबादात का सरमाया, जितना अपडेट होगा, मजलिसों में बैठे रहें, मसायब में कोई जाकिर का जुमला आपको दिल छू जाए, उसी वक्त जनाबे जहरा से तवस्सुल कीजिए। आप नहीं जानते कि कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर, महंगाई की मुसीबत, नफसा नफसी की मुसीबत, एक दूसरे के सिलसिले से हमको खबर ही नहीं है। हम भारतीयों को चाहिए कि अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए दुआ करें, अपने मुकद्दस हदफ के लिए दुआ करें, अपनी आज़ादारी के लिए दुआ करें। इसके लिए सिर्फ दो काम, एक अपनी नमाजों को अपडेट करें और दूसरे अपने बच्चों में शौक़ इबादत जगाएं। शौक इबादत, क्यों कह रहा हूं ये बात? अच्छा खासा फजाइल तो पढ़ रहा था, क्यों कह रहा हूं? कहा 54 पर्सनालिटी में एक कैरेक्टर है वहेब, तवज्जो, एक कैरेक्टर है हुर का बेटा, एक कैरेक्टर है मुस्लिम इब्ने औसजा का बेटा। इनकी हिस्ट्री जब आप पढ़िएगा तो ये अपनी जगह पर अपडेट कम थे। वहेब को उनकी मां ने जज्बात बरंगे अख्ता किए इस मंजिल पर लाके खड़ा कर दिया कि जब जब हुसैन का नाम लिया जाएगा वह अब छोड़ा नहीं जाएगा। मां बाप का कमाल, होर का बेटा जब समझ गया था कि हुसैन हक है तो चला आता, कहा नहीं, वो हुसैनी क्या जो औलाद को हुसैनी ना बना पाए, लिहाजा औलाद को लेके आया।
ये 54 अफराद, इनमें से एक कैरेक्टर को उठाऊं। अब वक्त नहीं है, मसाइब भी पढ़ना है मुझे। अच्छा, बस मुझे हुक्म हुआ है कि मैं इस बात को यहीं तमाम कर दूं, इसलिए क्योंकि एक मजलिस और है। और ठीक, अजीजों, बस मैंने अपने बात को तमाम किया। यहाँ आए हैं, यहाँ आने का शरफ मिला है, तो पिकनिक स्पॉट ना समझिएगा। ये प्लेस एक दूसरे से मिलने से ज्यादा बेहतर है कि मजलिसों में बैठ के दुआ करें, नमाज के वक्त दुआ करें, अजान के वक्त दुआ करें। एक सलावत क्लियर कर। अजीजों, आपके हुजूर एक कैरेक्टर जिसको मैं बहुत ज़्यादा जल्दी से समेट सकता हूँ अपने वक्त में, क्योंकि अगर वाकई एक एक कैरेक्टर के बारे में अगर पढ़ा जाए, 54 पर्सनालिटी, सिर्फ 54, तो एक साल कम पड़ जाएगा। ये वो फजीलतों का आसमान है। इनमें से एक शख्सियत पढ़ता हूं मैं कि जो आयत की बिल्कुल मिन्नोअन मुताबिक नजर आई है, आयत की बिल्कुल मिन्नोअन मुताबिक नजर आई है। उधर हुक्म हुआ कि हमने मौत कल किया, इधर वो कैरेक्टर वादी है मौत, मौत से मुराद गुमराही का दलदल। उधर हुक्म हुआ वल हयात, इधर हमने उसे जिंदगी पाते देखा। एक लम्हे में और आसमान तक बुलंदी को, किरदार को पहुंचते देखा। हुर जिसने लजामे फरस पर हाथ डाला, जिसने लजामे फरस पर हाथ डाला और हाथ डालने के बाद इमाम के जबान से एक जुमला निकला, तुम्हारी मां तुम्हारे मातम में बैठे, तो कोई इस मजमे में तय करके बताए कि मौलाना फिर उसने भी जवाब दिया था सिवाय इसके कि आपकी मां फातिमा ना होती, आपकी मां फातिमा ना होती। लफ्ज बदल के आपके मिजाज का जुमला कहूं, ये खामोशी टूट जाए तो बेहतर है। हुर कुछ नहीं जानता था, यह भाई हुर कुछ नहीं जानता था, अगर जानता होता तो लजामे फरस पर हाथ डालता का नहीं, कुछ नहीं जानता था, मगर कुछ ना जानने की भीड़ में इतना जरूर जानता था कि फातिमा कौन भाई। ये फातिमा की हुरमत और तकदीस पर निगाह और जबान बराबर पर न खोलना, हुसैन ने आवाज दिया, अच्छा ये अभी मुर्दा पूरी तरीके से नहीं हुआ है। हुसैन ने पानी पिलाया। मीरनीस ने इस जुमले को नकल किया है कि जब हुसैन ने पानी पिलाया, पानी पिलाया, पानी पिलाया, मगर मैं हैदर मेहदी इस मजमे को गवाह करके कहता हूं कि हुसैन ने पानी नहीं पिलाया, वो जो मोहब्बत फातिमा का पौधा पनप रहा था इस पर पानी डाला है। अजीजों, करबला में भी एक फैसला ये भी हो गया, हर आजादार को आजादार न कहिए, जहां मोहब्बत फातिमा हो और फातिमा के दुश्मनों पर लानत करने का जज्बा हो। हाय
अली 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 एक बाबा से बलंद सबकी हाजात की कबूलियत के लिए सलावात इरशाद फरमाते हैं। आपकी माँ फातिमा ना होती। हुसैन समझ गए अभी पूरी तरीके से मुर्दा नहीं हुआ, और अब जब उलमा आके बैठ गए, बिरादरे बुजुर्ग तशरीफ ले आए हैं, सद एहतराम है हमारे लिए। मैं एक जुमला कहूं, हुसैन के पानी ने जब हुर के जमीर को हयात दिया ना, तो शायद आबे जमजम भी हैरत में हो गया और आबे कौसर भी हैरत में आ गया कि हुसैन के पानी ने क्या मुर्दा हुर को हयात दे के कयामत तक जिंदा कर दिया, क्या मुर्दा हुर को जिंदा कर दिया। अच्छा साहब, अंदाजा लगाइए कि हुर को जब हुर आया है ये 54 अफराद में, मेरी माँ बहने, मेरे बच्चे, मेरे जवान, मेरे अजीज, ये आजादार जी वकार, ये रुमाल जो हुसैन ने बांधा है हुर की पेशानी पर, इसके सीधे सीधे करबला में कितने वारिस थे बताऊं आपको? वारिस जिनका हक था कि ये रुमाल उनको मिले, एक इस्मत के हाथ का बुना हुआ रुमाल है, हुसैन के पास आया, हुसैन से सैयद सज्जाद को जाना चाहिए था कि भाई मासूमा के हाथ का बुना हुआ रुमाल है, मासूम के पास चला जाएगा। एक रुख ये कि माँ के हाथ का बुना हुआ रुमाल जैनब वारिस है, अब्बास तमन्नाओं का समरा है, असगर फातह करबला के नाम से उभरे, अकबर हमशक्ल पैगंबर, अब्बास अपनी मिसाल आप, कासिम इस खानदान का जौहर और शहजादा, तो किसी को भी दिया जा सकता था ये रुमाल, ये हुर की पेशानी के लिए क्यों बांधा गया? अजीजों, हजार हिकमतों के साथ एक हिकमत शायद मेरे मौला की ये भी रही हो, वे जो अभी कह रहा था ना, औलाद पालना, औलाद नहीं पाल रहे हो, आजादार पाल रहे हो, आजादार पाल रहे हो, तो ख्याल रखना कि हुसैन ने करबला में कानून बनाया है, हुसैन ने हुर की पेशानी पर रुमाल नहीं बांधा, एक औलाद को हुसैनी बनाने का इनाम अता किया है। ए हुर, ये रुमाल नहीं है, ये एहसास है कि तुमने नस्लों को हुसैनी बना दिया। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले। अजीजों, किस तरह से कहूं के मैं बस जिसे कहते ना हेडलाइंस, अब वक्त बिल्कुल बचा नहीं है, हेडलाइंस हुर की अजमत बताऊं, कहां से कहां पहुंचा है, कहां से कहां पहुंचा है। मां और बेटी ने अपने अपने जमाने में, क़िबला गुजारिश कबूल हो, आगायून बिरादरान क़िबला, माँ और बेटी ने अपने अपने जमाने में एक नुमाया अमल पेश किया है, माँ और बेटी ने अपने अपने दौरे हयात में एक कानून बनाया है, माँ ने किसी को जवाब ना दे के आखिर तक जवाब चाहिए इसका, माँ ने अपने दौरे हयात में, लफ्ज और आसान कर दूं पहुंच जाए, फातिमा ज़हरा ने अपनी जिंदगी में किसी के सलाम का जवाब न दे के कयामत तक काफिर बना दिया, ज़ैनब ने हुर के मुकद्दर को सलाम करके कयामत तक मोमिन बना दिया।
बना दिया। माँ ने अपने दौर हयात में क्या कानून बनाया है, क्या हयात के दावेदार को सनद दी जा रही है। अजीजों, ये साहेबान फन, ये साहेबान शरफ, ये साहेबान कमाल, सलाम है इनकी अजमतों पर। आखिर फजाइल का एक जुमला, मेरे अजीजों यहां आए हो तो ये सोच लेना कि कोई ताकत थी जिसने तुम्हारे आने पर सिग्नेचर किया है। तो अपना आया हुआ टाइम, दोस्ती यारी ताल्लुकात, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम, इस पर न सर्फ करो, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने खानदान के मरहूमीन के लिए, अपने बुजुर्गों और दोस्तों के लिए, अपनी तरक्की के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, दुश्मन हक के अहले बैत को गसब करने वालों की बर्तरी के लिए, बेकारी के लिए, उनके नाबूदी के लिए, जितना हो सके अपने वज़ाइफ को अंजाम दो। क्यों? इसलिए क्योंकि आज मैं एक बात अपने एक अजीज से कह रहा था, ये जो मजमा आया है ज़ियारत करके शरफ की खैरात मांगने, वहां गया वो इमाम हुसैन के रोजे पर, वहां गया वो मौला अमीर के रोजे पर, वो जनाब ज़हरा, ये सरकार वफा, ये इस मुकद्दस बारगाह में, यहाँ रोज़ा नहीं है मगर मरकज़े इस्मत व तहारत हज़रत ज़हरा की आमद ज़रूर हर मजलिस में रहती है। मेरे अजीज़ों, ख्याल रखना, जब किसी ज़ाकिर का मसाइब दिल को छू जाए और रवायत समझ में आए कि हाँ ये पढ़ी जा रही है और ये हुआ होगा, और आंख से बेतहाशा आंसू निकलने लगे, तो समझ लेना मजलिस में हजरत बतूल की आमद आमद हो गई। ऐसे मौके पर दुआ जरूर करना। अजीजों, आज ये लोग देख के, मैं पहली बार इस प्रोग्राम में आ रहा हूं तो मैं इस सिलसिले के उसमें कई बार इत्तेफाक हुआ लेकिन हाजिरी ना हो सकी, तौफीकात की कमी। मगर एक बात आपको बताऊं, ये मजमा जब सकीना देखती होगी, ये लोग आ रहे हैं, अभी मुझसे कोई कह रहा था मौलाना साहब अभी बहुत से लोग नहीं आए, शाम तक देखिएगा, कुछ लोग कह रहे थे कल देखिएगा, कुछ लोग कह रहे थे परसों देखिएगा। मैं एक जुमला सोच रहा था कि जितने भी आएंगे दिले सकीना को तकवीयत होगी। बच्ची हमेशा मजलिस के मजमे को देख के अपनी फूफी से पूछती है, फूफी अम्मा ये लोग किस पर रो रहे हैं? वो मजलूमा फूफी कहती है ये तुम्हारे बाबा पर। तो सकीना कहती है कि पुप्पी अम्मा काश ये करबला में होते। रो अपने फजाइल के हिस्से को कम कर लिया, मसाइल ज्यादा पढ़ूंगा, इसलिए ज्यादा पढ़ूंगा कि मेरा मौला मेरी सरपरस्ती में है, हजरत बदूल की बारगाह में पेश कर दूं। ए आजादारों, जब तुम्हारी आंख से आंसू ना निकले मसाइब में, देखिए आप लोग डिसीजन लेते हैं ये ऐसा है वो वैसा है वो वैसा है, खुद कभी सोचा कीजिए कि हम कैसे हैं। उसके लिए मजलिस में मसाइब देखा कीजिए, अगर मसाइब में आंसू आ रहा है तो ठीक, और नहीं आ रहा है तो दुआ करो या जनाबे सैयदा आपके बच्चों पर रोना नसीब हो। क्यों? इसलिए क्योंकि जब हम मजलिसे हुसैन में मसाइब मजलूम में रोते हैं ना, तो हजरत सहरा लाओ मेरे बच्चे का मरहम।
हुसैना वा मजलूमा वा हुसैना वा मजलूमा। अरबाब अज़ा, अरबाब अज़ा, इसमें से बहुत से लोग होंगे जो इतवार को संडे के मामले में या जुमरात को चेहलुम की मजलिसों में शरीक होते होंगे या किया होगा। हमारे यहाँ करबला के बाद से अपने मरहूमीन को ईसा अलैहि सवाब का एक ज़रिया ये बना कि गम हुसैन को फिर से ताज़ा किया जाए, अपने मरहूमीन को ईसा अलैहि सवाब किया जाए, लिहाजा मजलिस हुसैन बर्पा हो जाए। लेकिन जब मरहूमीन की मजलिस बर्पा होती है, एक जगह में मजलिस पढ़ने गया तो वहाँ पर मजमा ठीक ठाक था, तो एक साहब मेरे पास आए, उनके वालिद की मजलिस थी, गले लग के मेरे रोने लगे और कहते हैं कि मौलाना आज मैंने एक एक आदमी से कहा था और जिससे जिससे कहा था सब आए, आज मुझे लगा कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ। जब उन्होंने यह जुमला कहा कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं सर पर पकड़ के बैठ गया, हाय वाकई एक यतीम की तस्कीन के लिए काफी यही है। बिरादरी के लोग, अजीज व अकारिब, रिश्तेदार, नातेदार अपने पराए सब आ जाए तो कम कम हो जाता है। कोई कंधे पर हाथ रख के कहता है घबराना नहीं, कोई बात हो तो बताना, कोई काम हो तो बताना। क्या करबला में पुरसादारी का रिवाज बदला है? अलमान अलमान के सैयद सज्जाद के बाबा के गले में खंजर रवा और कोई पुरसा देने वाला भी नहीं। वाह हुसैना, रो आजादारों रो। ये मजमा सैयद सज्जाद के दिल का मरहम है, ये मजमा और इसके आंखों से बहते हुए आंसू उस दर्द की टी उठने वाली टीस का मुआलजा है। रो। करबला में दो शख्सियतें मेरी माँ बहने ध्यान से सुनेंगी मेरे बच्चे, मैं बुजुर्गों की सरपरस्ती में कह रहा हूं, करबला में दो शख्सियतें ऐसी हैं, सब रोए हैं करबला में। लैला रोई है, रबाब रोई है, सकीना रोई है, फरवा रोई है, कुलसुम रोई है, लुबाबा रोई है, मुकद्दरात इस्मत व तहारत तमाम बीबियां रोई, फिज़ा रोई, मगर दो शख्सियतें ऐसी हैं जो न रो पाई, उसमें से एक है ज़ैनब। क्या सुन रहे हो ज़ादारों? अली की बारगाह में अली की बेटी के लिए जुमला है, एक है ज़ैनब जो न रो पाई। अगर ज़ैनब रोए तो रबाब को कौन संभाले? आप भी तो कहते हैं अगर घर का बड़ा भाई रोएगा, घर का बड़ा रोने लगता है तो आप पुरसे में कहते हैं अगर तुम रोगे तो बच्चे कैसे चुप होंगे। न रो पाई तो ज़ैनब और न रो पाया तो सज्जाद, दो शख्सियतें। इतना मजबूर है तारीख के मोहसिन नकवी खुदा गरीक रहमत करे, एक शेर उनकी बख्शिश के लिए काफी है, यूं तो तमाम शेर अपनी मिसाल आप हैं, कि करबला में इस अंदाज से रोई ज़ैनब, पोंछ लेती थी सकीना से छुपा कर आंसू, पोंछ लेती थी सकीना से छुपा कर आंसू। रो अरबाब अज़ा, आज शबे जुमा भी आएगी, आज ही तो मजलिस हो रही है, इसके बाद ये तो सिलसिला शुरू हो गया। शरफ है तुम्हारे पास, हर मजलिस में ज़ैनब और सज्जाद को पुरसा दो, हर मजलिस में ज़हरा को पुरसा दो। बीबी तुम्हारे बच्चे को रोला रोला के मारा गया, मजलिस खत्म हो रही है, एक दो मिनट की मजलिस हो। आज़ादारों आज़ादारों, रवायत का जुमला सुनिए, फिज़ा कहती हैं, फिज़ा हज़रत फिज़ा कहती हैं कि हम सब जब करबला से कूफा और कूफा से शाम के लिए रवाना हुए तो हमारे काफले को ले जाने का दस्तूर ये था कि दिन में काफला सफ़र करता था, रात को काफला रुक जाता था,
जालिम आग जला के बैठ जाते थे, हम बीबियां एक दूसरे के सहारे से उतरते थे। हम बीबियों के दरमियान ज़ैनब बैठती थी, ज़ैनब की आगोश में सकीना होती थी। हाय आज बच्चों ने, मैं आया हूं तो मैंने देखा जिंदा ने शाम बनाया है बास्टा के मोमिनीन ने। अल्लाह सेहत और सलामती अता करे जवानों को। यहाँ जितने आजादार हैं ज़ियारत जरूर करना, देखना कि दर्द सकीना क्या था। सकीना ज़ैनब की आगोश में। फिजा कहती है कि हम सब बीबियां ज़ैनब के चारों तरफ, कुछ देर हम हुसैन का मातम करते थे। वाह हुसैना, वाह मज़लूमा, वाह हुसैना। एक रोज फिजा कहती है, एक रोज आधी रात के बाद, जब आधी रात हो गई, बीबियां सिसकियां भर रही थी, यतीम सहमे हुए थे, एक हू का आलम था, हम सब खामोश थे, कि मैंने देखा आधी रात का कुछ हिस्सा गुजर चुका है। मेरी शहजादी ज़ैनब हमारे दरमियान से उठी और चौंक के कुछ देखा, ऐसा लगा जैसे ज़ैनब कुछ ढूंढ रही हो, ऐसा लगा जैसे ज़ैनब कुछ ढूंढ रही हो। मैंने ज़ैनब की यह कैफियत देखी तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं पूछ पाती। फिजा कहती है मैं खामोश रही, मैंने देखा कि ज़ैनब ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और सर झुका के मायूसी के चेहरे के साथ बैठ गई। दूसरा दिन हुआ, सफर हुआ, काफिला चला, रात आई, ठहर गया। फिर आधी रात के बाद मैंने देखा कि एक मरतबा मेरी ज़ैनब शाहजादी बीबियों के दरमियान से उठी, चौंक के उठी, चारों तरफ देखा, फिर खामोशी से बैठ गई। तीसरे दिन फिर यही अंदाज। अब फिजा कहती है मैंने हिम्मत करके पूछा, मेरी शहजादी एक दो रातों से देख रही हूँ, आप आधी रात के बाद कुछ तलाश करती हैं, क्या देखती हो बीबी? एक मरतबा ज़ैनब ने खामोशी के लहजे में कांपते होठों के साथ आवाज दिया, अम्मा फिजा कई रातों से ऐसा लगता है जैसे कोई है जो घुट घुट के रो रहा है। क्या सुन रहे वज़ादारों? रो के दिले सहरा को सुकून मिल जाए। ज़ैनब कहती है ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे करीब है जो घुट घुट के रोता है, मेरा कलेजा तड़प जाता है जब वो मेरे भाई हुसैन का नाम लेता है। वाह हुसैना, वाह मज़लूमा, वाह हुसैना, वाह मज़लूमा। एक मरतबा एक तरफ से फिजा, एक तरफ से कुलसूम, साथ चली ज़ैनब कुबरा के। कुछ दूर इधर देखा, कुछ दूर उधर देखा, आगे बढ़ी तो देखा कैदी बीमार, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तोफ, दो सानू होके सर को झुकाए, आहिस्ता आहिस्ता तड़प तड़प के कहता है यतीम करबला, बाबा सज्जाद बहुत गरीब हो गया, बाबा बाबा सज्जाद बहुत गरीब हो गया, बाबा बाबा सज्जाद रो नहीं पाया, बाबा बाबा सज्जाद रो कर दुआ करें। ए रब जहां पंज तरे पाक का सदका इस कौम का दामन गम शब्बीर से भर दे, बच्चों को अता कर अली।